नमस्कार, मैं संदीप कश्यप और आप देख रहे हैं न्यूज ट्रैक। अपने इस खास शो संदीप का समीकरण में आज हम आपको बताएंगे रामपुर जिला और उसके 5 विधानसभा सीटों के राजनीतिक समीकरण के बारे में। रामपुर को उत्तर प्रदेश राज्य के ऐतिहासिक जिला का उपाधि मिला है। यहाँ के बने हुए चाकुओं को रामपुरी चाकू कहा जाता है, जो कि विश्व प्रसिद्ध है। रामपुर जिला आज भी पूरे भारत में नवाबों की नगरी के नाम से जाना जाता है। बात अगर यहाँ की ऐतिहासिक धरोहर की करें तो रजा लाइब्रेरी का जिक्र सबसे पहले आएगा। यह भारत ही नहीं बल्कि दक्षिण मध्य एशिया की प्रसिद्ध लाइब्रेरियों में से एक है। रामपुर जिला के राजनीतिक समीकरण की बात करें तो समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता है, और इसकी वजह भी साफ है। पिछले कई सालों से यहां समाजवादी पार्टी का वर्चस्व रहा है। रामपुर जिले में कुल 5 विधानसभा सीटें आती हैं, स्वरा, चमड़ोआ, बिलासपुर, रामपुर और मिलक। साल 2017 के चुनाव में समाजवादी पार्टी को यहाँ की 5 सीट में से 3 सीटों पर विजय हासिल हुआ और 2 सीट पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। रामपुर विधानसभा सीट से सपा के कद्दावर नेता आजम खान लगातार 9 बार विधायक रह चुके हैं। वो यहाँ से मौजूदा सांसद भी हैं। 3 विधानसभा सीटों पर अब आजम खान का वर्चस्व देखने को मिल सकता है, क्योंकि यह न केवल मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है बल्कि इन क्षेत्रों में आजम खान का सिक्का भी बुलंद है। रामपुर के जातीय समीकरण की बात करें तो 50% से ज्यादा आबादी मुस्लिम बाहुल्य है, लगभग 45% हिंदू है और 3-4% आबादी सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन और अन्य है। सोरा टांडा विधानसभा सीट रामपुर की अहम सीट में से है। यहाँ से सपा सांसद आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम खान विधायक रहे हैं। हालांकि उम्र को लेकर विवाद के चलते हाईकोर्ट ने उनका निर्वाचन निरस्त कर दिया। इसके बाद विधानसभा सचिवालय ने इस सीट रिक्त घोषित कर दिया। 2017 में सोरा में कुल 51.68% वोट पड़े। 2017 के चुनाव में यूपी के पूर्व मंत्री आजम खान के बेटे और एसपी उम्मीदवार मोहम्मद अब्दुल्ला आजम खान की जीत हुई थी। उन्होंने बीएसपी की लक्ष्मी सैनी को 53,096 वोटों के अंतर से हराया था। 2012 के चुनाव में कांग्रेस के नवाब काजिम अली खान उर्फ नावेद मियां ने बीजेपी की लक्ष्मी सैनी को 13,715 वोटों से हराया था। 2022 विधानसभा चुनाव के लिए अपना दल से हैदर अली खान उर्फ हाजमा मियां, सपा से मोहम्मद अब्दुल्ला आजम खान, बसपा से उपाध्याय शंकर लाल और कांग्रेस से राम रक्षपाल सिंह उर्फ राजा ठाकुर मैदान में हैं। रामपुर विधानसभा सीट की बात करें तो समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान के दबदबे वाली रामपुर विधानसभा सीट पर इस बार चुनाव बेहद अहम है। मुस्लिम बाहुल्य इस सीट से खुद आजम खान 9 बार विधायक रह चुके हैं। फिलहाल घोटाला मामले में आजम खान लंबे वक्त से जेल में बंद हैं। वहीं बीजेपी उनके गढ़ में सेंधमारी के प्रयास में जुटी है। 2017 के चुनाव में एसपी के कद्दावर नेता और पूर्व मंत्री आजम खान ने बीजेपी के शिव बहादुर सक्सेना को मात दी थी। दोनों को मिले वोट का अंतर 46,842 था। 2019 में आजम खान के सांसद बनने के बाद हुए उपचुनाव में उनकी पत्नी डॉक्टर तजीन फातिमा ने जीत हासिल की थी। 2012 के चुनाव में भी एसपी के आजम खान की जीत हुई थी। उन्होंने कांग्रेस के डॉक्टर तनवीर अहमद खान को 63,259 वोटों से मात दिया था। पिछले चुनाव यानी 2019 में रामपुर में कुल 49.13% वोट पड़े थे। 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा से आकाश सक्सेना, सपा से मोहम्मद आजम खान, बसपा से सदाकत हुसैन और कांग्रेस से नवाब काजिम अली खान उर्फ नावेद मियां मैदान में हैं। मिलक विधानसभा सीट की बात करें तो मिलक विधानसभा सीट महत्वपूर्ण है। यह सीट 2008 में हुए परिसीमन के बाद अस्तित्व में आई थी। यहां एक बार सपा और एक बार बीजेपी से विधायक चुने गए। फिलहाल बीजेपी की राजवाला यहां से मौजूदा विधायक हैं। इस निर्वाचन क्षेत्र में 5.5 लाख के करीब आबादी है और हिंदू मुस्लिम बराबर संख्या में है। 2017 में इस विधानसभा चुनाव में मिलक सीट पर बीजेपी ने कब्जा किया था। बीजेपी की राजवाला ने एसपी के विजय सिंह को 16,667 वोटों से हराया था। 2012 के चुनाव में एसपी के विजय सिंह ने कांग्रेस के चंद्रपाल सिंह को 20,163 वोटों के अंतर से हराया था। 2017 में मिलक में कुल 41.54% वोट पड़े थे। 2022 विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा से राजवाला सिंह, सपा से विजय सिंह, बसपा से सुरेंद्र सिंह सागर और कांग्रेस से कुमार एकलव्य मैदान में हैं। चमड़ोआ सीट की बात करें तो चमड़ोआ सीट पहली बार 2008 में अस्तित्व में आई। फिलहाल यह सीट समाजवादी पार्टी के पास है और नसीर अहमद खान यहां से विधायक हैं। इस बार यहां दिलचस्प चुनावी मुकाबला होने की उम्मीद है। उत्तराखंड और यूपी के बॉर्डर पर स्थित बिलासपुर विधानसभा क्षेत्र में सिख समुदाय की आबादी अधिक है।
इस बार किसान आंदोलन के चलते बीजेपी के लिए मुकाबला यहां कड़ा होने वाला है। 2017 के चुनाव में एसपी के नसीर अहमद खान ने बीएसपी के अली यूसुफ को 34,376 वोटों से हराया था। 2012 के चुनाव में बीएसपी के अली यूसुफ अली ने एसपी के नसीर अहमद खान को महज 1,846 वोटों से हराया था। 2022 विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा से मोहन कुमार लोधी, सपा से नसीर अहमद खान, बसपा से अब्दुल मुस्तफा हुसैन और कांग्रेस से अली यूसुफ अली मैदान में हैं। अब बात करते हैं बिलासपुर विधानसभा सीट के बारे में। बिलासपुर विधानसभा सीट उत्तराखंड उत्तर प्रदेश के बॉर्डर वाली विधानसभा है। यहाँ सिख समुदाय के लोग ज्यादा रहते हैं। इस सीट पर पिछले 10 सालों में कांग्रेस के संजय कपूर जीतकर विधायक बनते आ रहे हैं, लेकिन 2017 के विधानसभा चुनाव में भाजपा के सरदार बलदेव सिंह ने उन्हें हराकर यह सीट अपने पाले में कर ली। बिलासपुर विधानसभा में इस बार त्रिकोणीय घमासान रहेगा। यहाँ भाजपा सरकार के राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। वहीं समाजवादी पार्टी ने भी सरदार अमरजीत सिंह को चुनावी मैदान में उतारा है। इसके साथ ही कांग्रेस के संजय कपूर भी बिलासपुर में जबरदस्त पकड़ रखते हैं और लगातार 2 बार विधायक रहे हैं। ऐसे में यह मुकाबला त्रिकोणीय होता जा रहा है। इसको देखते हुए लगता है कि इस सीट पर विधानसभा चुनाव 2022 का घमासान बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। 2017 के चुनाव में बीजेपी के बलदेव सिंह औलत ने कांग्रेस के संजय कपूर को 22,359 वोटों से हराया था। 2012 के चुनाव में कांग्रेस के संजय कपूर ने एसपी की बीना भरद्वाज को 10,177 वोटों से हराया था। 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा से बलदेव सिंह औलख, सपा से अमरजीत सिंह, बसपा से रामोतार कश्यप और कांग्रेस से संजय कपूर मैदान में हैं। इसी के साथ हम लेते हैं विराम, फिर मिलेंगे संदीप का समीकरण में किसी खास रिपोर्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।